क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेरे निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं मरियम फातिमा, आशा टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 26 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। बॉलीवुड अदाकारा नेहा शर्मा ने भागलपुर में रोड शो किया, कांग्रेस के लिए वोट मांगा। इनके वालिद अजय शर्मा का मुकाबला JDU के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट अजय कुमार मंडल से है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संत श्री डी पंडित ने हिंदुस्तान में एक मजहब एक लिबास और एक जबान को मसलत करने की मुखालफत करते हुए सालसानी फार्मूले की हिमायत की। इसके अलावा वो लिबास और हिजाब को जाती पसंद करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान में मुसलमानों के खिलाफ वज़ीर आज़म मोदी की इंतहाई काबिल एतराज़ तकरीर के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें मौसूल होने पर काफ़ी रद्दो खदा के बाद बिल आखिर नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। महाराष्ट्र में पार्लियामेंट की वाहिद मुस्लिम सीट औरंगाबाद में इस बार मुकाबला मजीद सख्त और दिलचस्प हो गया। यहां मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इम्तियाज जलील एक बार फिर मैदान में है, लेकिन इनके सामने इस बार दो शिवसेना हैं, एक उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली जिसके उम्मीदवार चंद्रकांत खेर हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि शरद पवार को वदरब के किसानों से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 10 साल मरकज में वजीर ज़राअत रहते हुए इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इनके इस इल्ज़ाम के जवाब में शरद पवार ने कहा है कि मुझे अमित शाह की बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमित शाह काश्तकारी की बहुत थोड़ी मालूमात रखते हैं। बिहार लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट एक बार फिर तमाम 5 सीटों पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनके हरीफ इन सीटों पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर इन पर हमला करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को मोदी की तौहीन करने में मज़ा आता है, लेकिन कोई मसला नहीं, वो नामदार है, हम कामदार हैं और कामदारों को सदियों से नामदार से गालियां खाने की आदत है। कांग्रेस ने मुल्क में पोलराइजेशन का माहौल पैदा करने और अपने मंशूर के जरिए झूठ फैलाने के लिए वज़ीर आज़म मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़मीनी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात में BJP का नाम वो निशान मिट जाएगा। खलीजी ममालिक में मुकीम हज़ारों हिंदुस्तानी आज केरला में इंतखाबात में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्याल रहे कि केरला में आज लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है, ये इंतखाबात का दूसरा मरहला है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मंशूर के हवाले से बार बार गलत बयान दे रहे हैं, इसीलिए इन्होंने मोदी को पार्टी के मंशूर की वजाहत के लिए ख़त लिखकर मुलाकात का वक्त मांगा है। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ जई ने गजा में इसराइली जारियत की मजम्मत की और फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती को दोहराया। इन्होंने कहा कि हमें जंगबंदी की अहमियत को फौरी तौर पर समझने के लिए मजीद हलाकतों, भूख का शिकार बच्चों और स्कूल पर बमबारी देखने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कंपनी में फलस्तीनी हामी मुजाहरे के बाद पुलिस ने 34 अफराद को हिरासत में लिया है। मुजाहरीन का तालीमी इदारों से स्टूडेंट है कि वो ऐसी कंपनियों से अलहदी अख्तियार करें जो इसराइल के लिए हथियार बनाती है या कारोबार में शरीक हैं। ऑस्ट्रेलिया के मगरबी साहिल पर 160 व्हेल मछलियों के साहिल पर आ जाने के बाद मुतअद्दिद व्हेल मछलियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 26 व्हेल मछलियों की मौत हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी के कारकुनान ने रजाकारों की मदद से मछलियों को दोबारा समंदर में भेजने की कोशिश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोटों की क्रॉस तस्दीक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस की क़यादत वाली अपोजिशन पर एक सख्त तमाचा था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ बेएतमादी पैदा करने के गुनाह के इर्तिकाब के लिए मुआफ़ी मांगनी चाहिए। भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर लीडर टी हरीश राव के इस्तीफे के चैलेंज के जवाब में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस इकदाम की सदाकत पर सवाल उठाया और इल्ज़ाम लगाया कि इस्तीफे के कागजात असेंबली स्पीकर के फॉर्मेट में नहीं लिखा गया था।
मंगलहाट पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी को हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने मुजरिमों के साथ अपनी बर्थडे मनाने पर सस्पेंड कर दिया। इंस्पेक्टर के जवाब मुंतजमीन के साथ अपनी बर्थडे मनाने की वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस के आला ऑफिसर्स ने सस्पेंड का हुक्म दिया। सऊदी मॉडल रोमी अल खहतानी ने एक मुमकिन पेश रफ्त में सऊदी अरब की बादशाही इस साल अपनी पहली मिस यूनिवर्स के मदमुकाबिल होने का इम्कान है, जो सितंबर में मैक्सिको में शेड्यूल है। चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर सिर्फ 174 रन बना सकी। न्यूजीलैंड की जानिब से विलियम और वर्क ने सबसे ज्यादा 3 विकेटें हासिल की। बैन सीरीज ने 2 विकेटें हासिल की थी। सऊदी अरब में पहला शराबखाना खोल दिया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसी भी मेहमान या 21 से कम उम्र फर्द को स्टोर में जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि दुकान में फोटोग्राफी और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। बीजेपी के आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहती है, अमित शाह का बयान। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि कांग्रेस ने इसे 70 साल तक बच्चे की तरह पाला, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसे हटा दिया। ज्ञानवापी सर्वे का हुक्म देने वाले जज को इंटरनेशनल नंबरात से फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। जज दिवाकर ने कहा है कि इन्हें इंटरनेशनल नंबरात से फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से गहरी तशवीश पैदा हो गई है और वो पुलिस से रुजू हुए हैं। जज रवि कुमार दिवाकर मजबूत फैसलों के लिए जाने जाते हैं। फर्जी वीडियो वायरल कराने पर गुज़श्ता साल गिरफ्तार हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में हुए शामिल। मनीष ने मीडिया को बताया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में काम करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मेरी मां ने मुझे बीजेपी में शामिल होने की हिदायत दी है। बैलेट पेपर्स और पोलिंग बूथ्स को लौटने वालों को गहरा धक्का लगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये वही लोग हैं जो इस निज़ाम पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए साबित किया कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी दरख्वास्तों का कोई मतलब नहीं है। मोदी, खड़गे और राहुल गांधी ने राय दहिंदगान से बड़ी तादाद में वोट डालने की है अपील। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर बंगाली, आसामी, कन्नड़ और हिंदी और कई दीगर जबानों का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर मोदी ने पोलिंग हलकों के तमाम वोटरों से रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने की अपील की है। अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के हक़ में होने वाले मुजाहरे में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी स्टूडेंट अचंतिया को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें हिंदुस्तानी स्टूडेंट अचंतिया और हसन सैयद शामिल बताए गए। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।